वेलकम टू माई शो मावरी को। स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आज हम नई स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 12 स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्टेट हिमाचल प्रदेश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। लास्ट टाइम हिमाचल प्रदेश का जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज था वो भी 565 के रेंज में था स्टेट कोटा में, इस बार क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि IGMS की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है इसके बारे में वीडियो है दोस्तों। लास्ट टाइम कम था टोटल स्टेट कोटा का, इस बार कितना इंक्रीज़ हो सकता है इसी के बारे में वीडियो। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रायोरिटी की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रायोरिटी क्या होती है हिमाचल प्रदेश में। तो बेसिकली IGMC शिमला ये सबसे टॉप नंबर इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद GMC टांडा आता है, उसके बाद ये ऑर्डर है। बेसिकली ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, किस ऑर्डर में आपकी सीटें फिल होती हैं। अब बात कर लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस बार का। तो बेसिकली अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में पिछली बार तो काफ़ी कम गया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इवन आपका जो टॉप मेडिकल कॉलेज है वो 565-65 के रेंज में था। इस बार जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ जा सकता है वो लगभग 530-535 के करीब, OBC 525-530, SC 445-450 और ST 415-420 करीब अप्रॉक्स इतना जा सकता है। इतना अगर आप ले आए तो ये मान के चलिए कि ये मैक्स टू मैक्स स्कोर है, इसके नीचे वाले भी हो सकते हैं, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और आपके IGMC का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो ऑन एंड अराउंड 590 के अप्रॉक्स जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।